जय श्री राम। सभी को कैसे हैं आप लोग, को आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। ये कुछ पुरानी क्लिप्स मेरे पास पड़ी थी, इसलिए जो कि मैं आज अपलोड कर रही हूँ। आपको पता ही है कि उत्तराखंड की नारी क्या, सब पूरे देश भर में जितनी भी नारियाँ हैं वो सीता दुर्गा के किरदार में तो आपने बहुत देखी होंगी, बट अब नारी राम और लक्ष्मण के अवतार में भी नज़र आ रही है, रावण के अवतार में भी नज़र आ रही है। पुरुषों से भी अच्छा जो अभिनय कर रही हैं वो महिलाएं कर रही हैं। बदलते दौर में नारी के सशक्त होने का यह एक उदाहरण बन रहा है। जो ये पहले यहाँ हल्द्वानी में उत्तान मंच में ये महिला रामलला हो रही थी, वो साबित करती है कि महिलाएं वर्तमान में किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं रहेंगी। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस रामलीला में 1 साल की बच्ची से लेकर 70 साल की महिलाएं इतना अच्छा किरदार निभा रही हैं कि क्या ही कहने। और मतलब इतना आगे बढ़ते हुए देखना महिलाओं को काफ़ी गर्व की बात है ये। और यहाँ पे आज आप देख सकते हैं मौसम भी काफ़ी सुहावना हो रहा था, क्योंकि आपको पता ही है यहाँ पे आज रामलला और उनके 3 भाइयों का जन्म होने वाला था। और यहाँ पे वो ही दशरथ जी से, ये दशरथ जी बैठे हुए हैं आगे और वो उनसे वार्तालाप हो रहा है कि वो आजकल परेशान है, ये वो, ये मतलब स्टार्टिंग हो रही है कि फिर ऐसे ही यहाँ से चलेगा। और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये महिला रामलीला किस किस ने जाके देखी थी उत्थान मंच में, वो लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप आगे की क्लिप्स एंजॉय करिए। तो सागर सम्मान बुला लाए। आंटी आंटी देखो मैं आज ऐसा नहीं करने वाला। जम
देख सकते हैं आप यहाँ पे आज भी कितनी भीड़ है। और जो राम बना था वो देखो, वो बच्चा वो है छोटा सा। नोनू क्या चीज़ की शॉपिंग करने बैठी है देखो। ये ना, ये गाड़ी ना नोनू के पास भी है, इससे बड़ी है। मैं सोच रही हूँ नोनू को यहीं लेके आऊँगी, इसकी गाड़ी लेके, और यही काम करती हूँ। कितने रुपए ले रही है? 50 रुपीज़ क्या राउंड, दो राउंड। तो मैं सोच रही हूँ मैं भी कल से यही करती हूँ यहाँ पे।